फ्रेंड्स, मेरे भोजनशाला में आपका स्वागत है। आज हम मसाला भिंडी बनाएंगे। मसाला भिंडी बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए कौन कौन से सामान की ज़रूरत लगती है। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं भोजनशाला की ओर। ये मैंने भिंडी ली है, ये 200 ग्राम भिंडी है और इसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये आलू है, इसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये टमाटर को भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये एक प्याज लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस में काट लिया है। ये लहसुन अदरक और हरी मिर्ची है, ये लहसुन को भी मैंने बारीक काट लिया है। और ये आधा इंच अदरक के टुकड़े को भी मैंने बारीक काट लिया है। और ये हरी मिर्ची को भी बारीक काट लिया है। ये कुछ हरे धने की पत्तियाँ हैं, ये नमक, ये सूखा पिसा हुआ धना है, ये जीरा, ये लाल मिर्च पाउडर, ये हल्दी पाउडर और ये गरम मसाला और भिंडी बनाने के लिए तेल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये कढ़ाई में तेल गरम रख दिया है। अब हम इसमें लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। लहसुन को थोड़ा सा लाल होने देते हैं। ये लहसुन लाल हो गई है। अब इसमें अदरक डाल देंगे और ये हरी मिर्ची भी डाल देंगे। गैस को हम धीमा ही रखेंगे। ये 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे। ये प्याज भी डाल देंगे, इसमें हिला देंगे इसको और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे। ये प्याज गोल्डन हो चुका है, अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। हिला देंगे इसको अच्छे से और ये आलू भी डाल देते हैं। और ये आलू पकने तक हम इसे पकाएंगे, अच्छे से हिलाएंगे इसको। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे कि आलू हमारा पका है या नहीं। इसे हम ढक करके पकाएंगे, धीमे गैस पर पकाएंगे हम इसे। इसको ढक देते हैं। ये आलू हमारा पक चुका है, अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला। इसको हिला देंगे अच्छे से। और ये टमाटर भी हम इसमें डाल देते हैं। और कुछ देर और हम इसे अभी पकने देते हैं, इसके बाद हम इस पर भिंडी डाल देंगे। ये देखिए, टमाटर भी हमारा पक चुका है, अब हम इसमें भिंडी डाल देते हैं। अच्छे से हिला देंगे इसको। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से हिलाएंगे इसको और कुछ देर के लिए हम इसे ढक देंगे। गैस का फ्लेम हम धीमा ही रखेंगे। ये देखिए, सब्जी हमारी पक करके तैयार हो गई है। गैस को हम बंद कर देते हैं और ये धनिया पत्ती डाल देते हैं। और अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये सब्जी बनकर के हमारी तैयार हो गई है। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें लाल मिर्च का उपयोग ना करें। और ये सब्जी पराठे, पूड़ी, नान किसी के भी साथ सर्व करें, बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी। ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देते हैं।
ये मसालेदार भिंडी बनकर के तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।